रूरल करोना वॉलंटियर्स कह के एक सत बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और सत मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे और एदे विच उहनां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वह किनू मिले उहनूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिले उहनूं भी टेस्ट करो और फिर जिहड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो थ्री टीज टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीजा अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्लिया च कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दमदार समाचार लगातार में रुख करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस यानी 21 जून से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक्शन के मूड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी कर दिया और इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ को वैक्सीन शामिल है। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी और इसके अलावा सरकार ने बायोलॉजिकल इलिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है जो सितंबर तक उपलब्ध होगा। और पॉल ने आगे कहा है कि निजी क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी। वहीं राज्य निजी क्षेत्र द्वारा कुल मांग की निगरानी करेंगे और जिसका अर्थ है कि वे खुद देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। कि कल और आज के बीच में कोविशील्ड को 25 करोड़ और डोजेस की परचेज का ऑर्डर दे दिया। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 25 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसी प्रकार कोवैक्सीन की खरीद के लिए भारत बायोटेक को 19 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दे दिया गया है। सो 46 करोड़ डोजेस का बंदोबस्त कर दिया गया है, एडवांस ऑर्डर दे दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त फ्रॉम अगस्त ऑन। इसके साथ साथ 30% एडवांस अमाउंट भी रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ साथ याद दिलाना चाहूंगा कि फॉर बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है उसका जो नया वैक्सीन बन रहा है DBT के मदद के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्टिसिपेशन के साथ, बिल्कुल इनोवेटिव नया वैक्सीन है, वो भी उम्मीद है उपलब्ध होगा सितंबर में। उसके लिए उनको
30 करोड़ डोसेस के लिए लगभग 1500 करोड़ का एडवांस उनको दिया गया है। 30 + 46, 76 करोड़ डोसेस है, हमारे 44 ऊपर जो 46 मैंने कहा वो 44 है, स्टैंड करेक्टेड एंड 30। तो वहीं दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के ऊपर बताए जा रहे ज्यादा खतरे पर बात की है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि भारत का या दुनिया का डाटा देखे तो अब तक ऐसा कोई डाटा सामने नहीं आया है जिसमें दिखाया गया हो कि बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में मौजूद डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि यहां तक कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान जो भी बच्चे इस वायरस से संक्रमित हुए हैं वो हल्के बीमार ही पड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं समझता कि हमें भविष्य में बच्चों पर किसी गंभीर संक्रमण का खतरा देखने को मिलेगा। आगे वेव्स को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें, फर्स्ट वेव का, सेकंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरियंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60-70% जो बच्चे एडमिट हुए थे देवर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विद। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगले अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। और अगर हमें अगले वेव्स को रोकना है तो ये हम सबके हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे, तो हमारे लिए आगे के लिए वेव्स नहीं बनेंगे। और ये आई थिंक बहुत जरूरी है बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट वेव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन की। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना के ताजा हालात की जानकारी दी है। लव अग्रवाल ने कहा है कि जहां 7 मई को देश में हर रोज के हिसाब से 4,14,000 मामले दर्ज किए गए थे वे अब 1,00,000 से भी कम हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 24 घंटों में 86,498 मामले देश में दर्ज किए गए हैं और ये 3 अप्रैल के बाद अब तक के एक दिन के सबसे कम मामले हैं। 3 मई को देश में रिकवरी रेट 81.8% था और अब रिकवरी रेट 94.3% हो गया है। और वहीं पिछले 24 घंटों में देश में 1,82,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। हर राज्य में अब रिकवरी की संख्या हर रोज दर्ज किए जा रहे मामलों की संख्या से ज्यादा है। लव अग्रवाल ने कहा है कि 4 मई को देश में 531 ऐसे जिले थे जहां हर रोज 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे थे, ऐसे जिले अब 209 रह गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, वह 25 मई में 2,00,000 से कम, 31 मई में करीब 1.5 लाख केसेस, और अब घटते घटते अब हम उन केसेस में पाते हैं कि 1,00,000 से कम, यानी कि पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर आप देखेंगे कि जहां 10 मई के समय पर देश में 37.45 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 13,00,000 के करीब केसेस रह गए हैं। दिस इज ए ग्रेट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ अराउंड 24,00,000 के करीब हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वह पिछले करीब एक महीने में देश में हमने उसमें कमी नोट की है, जो कि करीब 65% रिडक्शन इन एक्टिव केसेस है। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे एक्टिव केसेस थे
3 मई के समय पर जो 17.13% टोटल केसेस का अनुपात थे, वह अब घटकर 4.5% रह गए हैं। जहां पर 3 मई के समय देश में ओवरऑल रिकवरी रेट 81.8% था, वह बढ़ा 18 मई को 85.6% हुआ। 27 मई को उसने 90% का एक बेंचमार्क क्रॉस किया और अब हम देश में पाते हैं कि हमारा ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% हो गया है। यह पिछले 2.5 महीने बाद हम इस लेवल ऑफ रिकवरी रेट को अपने देश में पा रहे हैं। बोफोर्स घोटाले के काले अध्याय को पीछे छोड़ भारत अब स्वीडन के साथ फिर से रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग करने के लिए तैयार है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीडन की कंपनियों को भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने भारत और स्वीडन के बीच डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस वेबिनार में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे और स्वीडन के रक्षा मंत्री पीटर हल्टक्विस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इसके अलावा दोनों देशों के राजदूत सहित भारत और स्वीडन के डिफेंस कंपनियों ने बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। वेबिनार को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस अवसर पर स्वीडन और स्वीडिश फर्म्स को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव बोथ द कंट्री मे कोलैबोरेट इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कंटिन्यूइंग फ्रॉम अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस एट द इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट, आई वंस अगेन टेक this opportunity to invite Swedish firms to invest in the dedicated defense corridors. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्तों और मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर उद्धव ठाकरे ने बेबाकी से जवाब भी दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें गलत क्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी सभी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण, जीएसटी समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ये मुलाकात काफी अहम है। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच ये दूसरी मुलाकात है। उद्धव साथी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। चलो ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूं, आज भी अभी मेरे साथी हैं उनको कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है। राज्यामध्ये जे संवेदनशील विषय आहेत त्याच्यामध्ये एक विषय नक्कीच मराठा आरक्षणाचा आहे, ज्याच्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे आणि त्याबद्दल आणखी आपल्याला माहिती असेल तर अशोकराव सांगतीलच। तसाच दुसरा एक महत्वाचा विषय आहे तो इतर मागासवर्गीयांचं पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण, त्याहीबद्दल एक कोर्टाचा निर्णय लागलेला आहे त्याहीबद्दल। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने नवनीत राणा की जाति सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नवनीत राणा पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर फास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था और बता दें कि नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नवनीत राणा पंजाबी हैं और वो लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में SC श्रेणी में नहीं आती है। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी दस्तावेज दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का भी आरोप है। याचिकाकर्ता ने नवनीत राणा पर हाईकोर्ट से कार्रवाई करने की भी मांग की है और तो वहीं सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूँ और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगी। वो पढ़ी नहीं है और किस बेस पे उन्होंने जो भी निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट का मैं आदर करती हूँ 100% ऐसे भारतीय नागरिक होने के कारण।
हम हर लॉ बनाने वाले एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमें वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मुझे लगता है उनका आदर करती हूँ। और पिछले 9 वर्षों से मैं इसी चीज को लेकर लड़ाई दे रही हूँ। और कमिटी ने जब पहली बार मुझे कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी दी, तब ये हाईकोर्ट पे गए, और हाईकोर्ट में जाने के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने फिर मुझे, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से कमिटी बनी हुई है, उस कमिटी ने फिर से मुझे दोबारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद होम विजिलेंस करके मुझे सर्टिफिकेट और वैलिडिटी दी है। अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए और सभी के लिए है। तो मुझे लगता है 4 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद है, और कमिटी में मैं 2 बार जीत चुकी हूँ। जीतने के बाद, अब हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय देने के बाद, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। 4 हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की हॉलीडेज हैं, और 6 हफ्ते का मुझे हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, तो मैं 4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मैं ये जरूर जानती हूँ कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर पकी है, और शिवसेना से मेरी पहले भी लड़ाई विचारों की रही है, और राज्य के लिए, राज्य के हित में जो मैं पहले लड़ती थी वो आज भी लड़ूंगी और आगे भी लड़ती रहूंगी, और अपने लिए सुप्रीम कोर्ट से न्याय की अपील करूंगी। लेकिन मैम, जिस तरह से फैसला है, तो आपको लगता नहीं है कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका रास्ता थोड़ा कठिन हो गया है? वैसे भी हम महिलाओं के लिए हर रास्ते बहुत कठिन होते हैं, और ये भी रास्ता कठिन है। पिछले 9 वर्षों से कांटों के साथ में लड़ती आई हूँ, तो मुझे लगता है। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 जून से सभी राज्यों को 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये देश के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने का सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में वैक्सीन की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ही पिछले साल देश कोरोना महामारी की पहली लहर से निपटने में सफल रहा, और उम्मीद जताई है कि देश जल्द ही इस महामारी की दूसरी लहर से भी सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा। सीएम ने इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को इस साल नवम्बर तक बढ़ाने के फैसले के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत मजबूती के साथ सारी परिस्थितियों का सामना किया, हौसले के साथ ये निर्णय लिया कि इस संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं, और केंद्र सरकार का जो आज का जो निर्णय, जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो घोषणा की, उसका मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वैक्सीन के अभियान को लेकर के कई तरह की बातें पहले होती रही, बातें ये होती रही, विपक्ष के लोग कहने लगे भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। और आज कोविड के संकट में जीवन बचाने के लिए सबसे कारगर अगर कोई माध्यम साबित हुआ है वो वैक्सीन ही। परिणाम ये देखने को मिला कि भारत के अंदर भारत के ही साइंटिस्ट ने भारत की ही कंपनियों के माध्यम से वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की, और अभी तक पूरे देश भर में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लग गई है, और बड़ी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का यह अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। आज राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय का भी मैं स्वागत करता हूं, और उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो 18 से ऊपर के आयु के लिए भी वैक्सीन अब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसमें पूरे देश में सभी ऐसे लोगों को जो उसके पात्र हैं उनको राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और कब तक दिया जाएगा, नवंबर के महीने यानी कि दिवाली तक उनको राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और उसमें लगभग इस देश के 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मैं इन सभी निर्णयों का प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करने का रास्ता अब साफ हो गया है। हालांकि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, इसे लेकर शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ परिस्थितियों में स्टूडेंट्स को परीक्षा भी देनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में करीब 41 लाख स्टूडेंट्स हैं,
डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है कि परीक्षाओं के लिए सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत जहां स्नातक प्रथम और तृतीय और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन के आधारित किए जा सकते हैं। सेमेस्टर के संदर्भ में ये रखा है कि जहां प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे तथा मिड टर्म और अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर भी उनका निर्धारण किया जा सकता है। ये दूसरी जो प्रावधि थी कि जहां पर जो विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई दोनों की, वहां पर मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम और सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम। और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के कानपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, लोडर और एसी बस में भीषण टक्कर हुई है। उत्तर प्रदेश में टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पलटी हैं। कानपुर की ये खबर है, कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर ये टक्कर हुई है और 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिनकी गंभीर हालत है उन्हें अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर के दुख जताया है, शोक जताया है। यूपी के कानपुर में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल बता दें कि लोडर और एसी बस में ये भीषण टक्कर हुई है जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पलटी हैं और इस हादसे में मौके पर ही 16 लोगों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अवनीश अवस्थी। अवनीश, जिस तरीके से कानपुर में यह बड़ा हादसा हुआ है, 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? योगेश, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मिनी बस थी, मतलब प्राइवेट मिनी बस थी, और जैसे जो टेम्पो होता है, इन दोनों में जो है तेज रफ्तार के चक्कर में जहां पर ये हादसा हुआ है, हाईवे है वो, वहां पर लगातार वो हाईवे जो है दिल्ली की ओर जाता है, लगातार तेज वाहन चलते हैं वहां पर। कभी कभी जो वाहन है वो उल्टी ओर से जो है दूसरी विपरीत दिशा से आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हादसा वहां पर लगातार होता ही रहता है। तो इसी तरीके से तेज रफ्तार के कारण जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हादसा हुआ है। ये 16 लोगों की अभी तक जो है पूछ हुई है, फिलहाल जो है वहां पर भी कार्य जो है पुलिस कर रही है। अभी कई लोग अभी दबे भी हुए हैं, कई लोग के घायल होने की भी सूचना है, जिनको कानपुर के हैलट अस्पताल में लाया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। संभवतः जो है जो गंभीर रूप से घायल है उनको भी डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि अभी इनको कोई बता नहीं जा सकता कि ये बच भी पाएंगे नहीं बच पाएंगे। ये आंकड़ा जो 16 का आंकड़ा है कहीं ना कहीं बढ़ भी सकता है। जी योगेश, अवनीश जाहिर तौर पे है 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है इस हादसे से, तो इसी से आंकड़ा लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है कि आखिर ये हादसा कितना गंभीर रहा होगा। तो कि आखिर जो मामला सामने निकल के आ रहा है, क्या वजह निकल करके आ रही है? रॉन्ग साइड, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि रॉन्ग साइड से वाहन आते हैं, तो यहाँ रॉन्ग साइड से वाहन आने का कारण रहा या ड्राइवरों की लापरवाही देखने को मिली है? जी, अभी फिलहाल जो सूचना मिली है, जो मौके पर जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा जो बताया गया है कि ये वाहन जो है अनियंत्रित हो गया था, तेज रफ्तार थी बस में, जिसके कारण जो है। तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश अवस्थी, हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता कानपुर से। तो ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से गंभीर बताए जा रहे हैं। तो वहीं रुख करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा और शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी का आभार जताया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी जनपद कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत नहीं आता, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। लोगों से अपील है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। दो बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को जो 18 साल से 44 साल की उम्र वालों को वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से
दिए जाने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश का जो कोरोना कर्फ्यू था वो पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। प्रातःकाल 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक अभी तक कुछ जनपदों में ये कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, तो सभी जनपदों में 600 से कम सक्रिय केसेस आज आ गए हैं और उसी के फार्मूले के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में कोई भी जनपद कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत नहीं आता। और सभी लोगों से मेरी अपील भी यह है कि सभी लोग सावधानी भी बरतें और किसी भी तरीके की लापरवाही न करें, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो हमारे कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को की आशंका व्यक्त की है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक थी। तो बिहार के बांका जिले के नगर थाना क्षेत्र में मस्जिद के पास स्थित मदरसे के बिल्डिंग में विस्फोट हो गया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और इस घटना में 3 से 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मदरसे की इमारत में विस्फोट क्यों हुआ इसे लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना था कि ये बम विस्फोट का मामला लग रहा है, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर फटने से घटना हुई है। बांका नगर के थाना प्रभारी शंभू कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह नवटोलिया क्षेत्र स्थित मस्जिद के पास मंगलवार की सुबह एक मदरसे में बम विस्फोट हो गया और इस घटना में मदरसा भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना भी है। अभी इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नवटोलिया है, बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा इसका। ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। SSL की टीम हमारी आ रही है। SSL की टीम पर जाँच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। सर, प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ स्पॉट रंग का, लेकिन वो अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ये FSL की टीम इस चीज़ की विशेषज्ञ है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ब्लास्ट है। आप भी देख रहे हैं छत गिरी हुई पूरी, हेवी ब्लास्ट है ये तो कह सकते हैं। दो तरह की बातें आई। प्रारंभिक तौर पर सूचना ये थी कि गैस सिलेंडर फटा है, उसके बाद सूचना मिली कि बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन हम लोग जब तक इसके मलबा को नहीं हटाया जाएगा, इसके अंदर क्या है, इसकी किस तरह के एग्जिबिट हैं, उसकी जांच नहीं FSL की टीम कर लेती है, हम लोग विस्फोट का कारण नहीं बता कत्ता जोर से बहुत भयंकर आवाज की लगे छ कुआसो के अनुमान हार रे इधर के बन गए की लगे छ यहां मरलो भी छे मरलो भी छे तो कहां करा बुझा लो छ करना। कोरोना के नए मामले की थमती रफ्तार के बीच हर प्रदेश सरकार अपने यहां लगे लॉकडाउन को हटा रही है और इसी कड़ी में बिहार में भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। करीब 1 महीने के बाद बिहार के लोगों को लॉकडाउन से आजादी मिलेगी। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% के साथ सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। वहीं लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़ से बचने की आवश्यकता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है और ये छूट अभी फिलहाल जारी रहेगी। अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे अपहरण तक खुलेंगे और दुकान खुलने की अवधि 5 बजे अपहरण तक बढ़ेगी। कोविड जैसी महामारी और अन्य गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में एक शोध केंद्र बनाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीवन बचाने के लिए एक साथ आए सभी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के धैर्य, प्रतिबद्धता और बलिदान को सलाम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि लोगों में अपने आप डॉक्टर न बनने के बल्कि संक्रमण के शुरुआती लक्षणों पर डॉक्टरों की सलाह लेने का आग्रह किया है। दरअसल सीएम अमरिंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हो रहे इस दौरान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के 250 से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अलावा 4 विदेशी डॉक्टरों ने भी भाग लिया। बैठक में चिकित्सकों के अलावा स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हुए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन दर्शन का मौका सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाकर ही महाकाल मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। हालांकि महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति 15 जून के बाद मिल पाएगी, लेकिन शुरुआती में दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कोरोना महामारी के कारण 12 अप्रैल को उस वक्त श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था, जब अप्रैल माह में उज्जैन में संक्रमितों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी थी और जिसके बाद एहतियात के तौर पर मंदिर को बंद कर दिया गया। यूपी के कौशाम्बी में झमाझम बारिश में विपणन विभाग की लापरवाही से किसानों के हजारों क्विंटल गेहूं भीगने से खराब हो गए हैं। और बता दें कि तौल न होने के कारण क्रय केंद्र में कई दिन से गेहूं खुले आसमान में रखे थे। अचानक तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने किसानों को गेहूं बचाने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि बहुत से किसान भीगते हुए गेहूं बचाने में जुटे थे, लेकिन तेज हवा चलने के कारण पॉलिथीन उड़ जा रही थी और जिसके चलते उनके सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। वहीं किसानों का आरोप है कि विभाग ने टोकन मिलने के बाद समय से गेहूं की तौल ही नहीं की थी। बहुत कोशिश किया, लेकिन अब यह है कि धायबनिया की तरफ भागते हैं पढ़ने के लिए और वहां गए तो वहां भी बारिश देखा, उन्होंने भी बंद कर लिया, अंदर घुस गए और हम फिर वहां से भागे और यहां आए तो यहां फिर बरसने लगा, फिर भेजने लगे, लेकिन व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए दौड़ते हुए भी। आप कितने दिन से यहां गेहूं लाके रखे? 1 हफ्ते हो गए। अच्छा, कोई अधिकारी आता है? अधिकारी कोई नहीं आता है। यहाँ सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी क्या पन्नी उन्नी की? कोई व्यवस्था नहीं सर। प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। जहां कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से किसान अभी उभर भी नहीं पाए थे, बारिश में हजारों क्विंटल भीग गए किसानों के गेहूं। कई दिन से तौल के लिए क्रय केंद्र में रखे थे गेहूं, विपणन विभाग की लापरवाही से किसानों के हजारों क्विंटल गेहूं भीग गए, बर्बाद हो गए। तौल न होने के कारण कई दिन से गेहूं खुले आसमान में रखे थे, अचानक बारिश होने से किसानों के गेहूं बर्बाद हो गए। अगर किसान की बात करें तो गेहूं बचाने की लाख कोशिश की, मगर तेज बारिश की वजह से किसान के गेहूं भीग गए। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे लापरवाही अधिकारी के खिलाफ कब होगी कार्रवाई। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर अब भी हाहाकार मचा हुआ है। तमाम राज्य वैक्सीन की कमी का दावा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर उनके दावों को नकार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि अभी भी राज्यों के पास 1.65 करोड़ डोज उपलब्ध हैं और करीब 9 राज्यों के पास इस्तेमाल ही नहीं हुई है। केंद्र का दावा है कि इससे वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार धीमी हुई है और जानकारी के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में वैक्सीन की ज्यादा सप्लाई की गई। इसके अलावा जागरूकता की कमी और लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट को भी टीकाकरण के धीमा रहने की वजह बताया गया। आंकड़े के मुताबिक दिल्ली ने 44 लाख डोज में से 24 लाख का इस्तेमाल किया, जबकि महाराष्ट्र ने 1.43 करोड़ खुराक में 62 लाख का ही इस्तेमाल किया। वहीं राजस्थान को 1.06 करोड़ खुराक दी गई थी, जिसमें से सिर्फ 57 लाख का ही इस्तेमाल हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य 43 लाख खुराक में से 19 लाख का ही इस्तेमाल कर पाया है। केंद्र का दावा है कि ये राज्य जनवरी, फरवरी और मार्च में केंद्रों की ओर से टीकों की अच्छी खासी सप्लाई के बावजूद अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावी ढंग से टीका लगाने में विफल रहे हैं।
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चीन के बचाव किया है। कोरोना वायरस के पैदा होने को लेकर चल रहे विवाद में भी WHO ने कहा है कि चीन की मजबूर नहीं किया जाना चाह सकता है और वायरस की उत्पत्ति को लेकर और अधिक आंकड़े आने अभी बाकी हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चीन को टारगेट किया गया है, चीन को ही इस वायरस का जिम्मेदार ठहराया गया है। WHO ने यह भी कहा है कि इस बात की जांच जारी रहनी चाहिए कि वायरस कहां से आया और दुनिया में कैसे फैला। दरअसल ऐसा माना जाता है कि WHO चीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। इससे पहले WHO ने यह भी कहा था कि वुहान में ही कोरोना वायरस पैदा हुआ और इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। दूसरी तरफ अमेरिका समेत विश्व के ज्यादातर देश कोरोना वायरस के पीछे चीन का हाथ मान रहे हैं। लिहाजा बाइडेन प्रशासन ने तो 90 दिन के भीतर वायरस की उत्पत्ति स्थल का पता करके रिपोर्ट देने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक वायरस पर चीन पारदर्शिता नहीं बरत रहा है और ना ही जानकारी साझा कर रहा है जो जांच के लिए जरूरी है। दिल्ली में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए 7 जून के सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है। काम बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों के बीच आर्थिक संकट आ गया है। महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए रग्बी खिलाड़ी मसीहा बनकर आए खिलाड़ी उन लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर और रोशन मुहैया करा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी असलम कहते हैं कि वे पिछले 5 सालों से दिल्ली बुल्स के लिए रग्बी खेल रहा है और उन्होंने कहा है कि अब हम लोग कोविड राहत सेवा का काम कर रहे हैं। हम जरूरतमंद लोगों को सिलेंडर और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। अभी जो सेकंड वेव चल रही है इसके वजह से हम कोविड का काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वेव में भी हमने बहुत लोगों की हेल्प करी थी राशन को। तो वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 2 अलग-अलग समीक्षा बैठकों में प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा के अलावा अन्य अधूरे पड़े हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करें, जिसका ब्यौरा अगली मीटिंग में लिया जाएगा। उन्होंने खास तौर पर पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए और आने वाले मानसून को लेकर बरसाती नालों को मानसून से पहले साफ करने का पर भी जोर देते हुए कहा कि समय रहते बरसाती नालों की सफाई की जाए ताकि क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को न जूझना पड़े। मीटिंग रखी है, कितने काम पूरे हुए, कितने काम बाकी हैं और कितने समय तक पूरे होंगे। आज सभी अधिकारियों से बुलाकर जो बल्लौर विधानसभा के जितने काम हैं सबको जल्दी जल्दी पूरा करना है। आपने नाले के काम की भी और जल्दी ही काम करने की शायद बात रखी है, कब तक? नहीं, मेन नाला है जो हमारे बरसात का समय आने वाला है, जो सबसे बल्लौर की लाइफ लाइन है मोहना के साथ जो नाला है जो मोहना रोड के साथ है, तो 1 महीने में बारिश से पहले हमें पूरा करना है और सबसे जरूरी कि उस जल्दी बनेगा तो लोगों को पानी की भराव नहीं होगा। पीने के पानी की समस्याएं भी शायद उस पर भी चर्चा की गई 22-23 मुजेसर में भी कुछ इधर, जैसे हमारे 22 के लोगों को पानी की सबसे बड़ी समस्या है। वार्ड नंबर 2 में है, बूस्टर 4 में जाना है, लोग एक दूसरे के पार्षद। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आज भी बेटे और बेटियों में भेदभाव जारी है, जिसका जीता जागता उदाहरण भिंड जिले के भारावली गांव में देखने को मिला, जहां पिता व परिवार के द्वारा 3 से 4 माह की बेटी का गला इसलिए दबा दिया जाता है कि उसको बेटा नहीं हुआ था। यह आरोप पत्नी ने अपने पति नाहा सिंह पर लगाया है। यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब इलाज के बहाने मासूम की मां शिकायत करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिंड आती है और जहां से भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा पीड़ित मां की फरियाद सुनी जाती है और बच्ची को चाइल्ड लाइन की मदद से उपचार के लिए भिजवा दिया जाता है। इस घटना के पीछे शिक्षा का अभाव, लाचारी या बेटे और बेटियों में भेदभाव या अन्य कोई कारण है, यह तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। पूरा घर ही सब मारने में डर रहा था मोड़ के। क्या वजह रही जो गला दबाने? बच्ची कोई नहीं चाह रहा, बच्ची नहीं चाह रहा था कोई नहीं। इसका गला दबान, इसका जो गला दबाया है रस्सी से दबाया, किसे दबाया, ये किसने दबाया है? जब माँ इसके बगल में बनियान रखी थी उससे इसका गला दबाया गया। ये पता नहीं किससे दबाया, रस्सी से दबाया। कौन बच्ची के पिता ने गला दबाया? पिता बगल में बैठे थे, बगल में थे हम जब आए तब, और सब नंद पन सभी लोग अति गए। क्या कहते हैं बच्ची के पिता? बच्ची नहीं थी, हमने कही चलो बच्ची का इलाज कराने वाला नहीं, मर जाऊंगी। तो आपने फिर पुलिस से थाने में शिकायत की क्या? नहीं, आए डायरेक्ट दवाई के बाहर घर से फोन करो, नहीं कल मैं घर चलेगा तो मम्मी के मार बेल चले गए, मारे गए डोरे ससुर द्वारे, घर में नहीं घुसन जाएंगे मोरी हमें मार।
अभी आप लोगों को समझिए, एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 महीने है, उसकी माता का ये कहना है कि उसके पिता ने, क्योंकि लड़की है इसलिए उसको मारने की कोशिश की है और उसके गले में निशान मिले हैं, तो इस मामले को काफी सीरियसली लिया जा रहा है और तुरंत जो है चाइल्ड लाइन हेल्प केयर में बच्ची को भेजा गया है और थाना प्रभारी स्वयं आकर इसका संज्ञान ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार प्रदेश में भले ही कम हुई है, मगर खतरा अभी तक टला नहीं है और इसी को देखते हुए अल्मोड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैंची धाम में प्रसिद्ध नेपकरौली बाबा मंदिर का गेट अनिश्चित काल तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ आने वाले 15 जून को होने वाले कैंची धाम के महोत्सव को भी रद्द करने की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें कि 15 जून को कैंची महोत्सव का आयोजन होना है, मगर संक्रमण के खतरे के कारण प्रशासन एवं मंदिर समिति ने मंदिर के गेट को बंद करने का फैसला लिया है। 15 जून को मेले का पर्व नजदीक आने के और धीरे धीरे धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ती हुई भीड़ को देखते हुए बीते शनिवार को मंदिर समिति ने मुख्य गेट पर रस्सी लगाकर उसको बंद कर दिया है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक कोरोना संक्रमण को मध्य नजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया है कि मेले का पर्व नजदीक आने के कारण मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। सरकार द्वारा भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाए जाने के बाद बाहरी राज्यों से भी भक्त मंदिर में दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में दौरान मंदिर में भीड़ जुटना खतरे का संकेत है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में अनिश्चित काल के लिए मंदिर के कपाट को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। 1964 में बाबा नीमकरौली महाराज ने कैंची धाम में हनुमान मंदिर की स्थापना की थी और जिसके बाद प्रतिवर्ष 15 जून को कैंची धाम में यहां पर भक्तिमय माहौल होता है। कोरोना महामारी से इंसानी जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है और इसके साथ ही बेजुबानों की जिंदगी पर भी अब काफी बुरा असर पड़ रहा है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनके पेट्स भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक खबर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है, जहां पर कोरोना संक्रमित लोग अपने पेट्स को द डॉग हाउस के हवाले कर रहे हैं। दरअसल पुणे के मौजूद द डॉग हाउस शहर में एक ऐसी मुनासिब जगह है जहां पर लोग अपने कुत्तों को कुछ के लिए छोड़कर चले जाते हैं और इस बीच द डॉग हाउस उन कुत्तों को पूरी जिम्मेदारी के साथ देखभाल करता है। यही नहीं, यहाँ पर उनके लिए ग्रूमिंग क्लासेस का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा उन्हें पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाने पर भी खासी जोर आजमाइश की जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मुश्किल हालात में द डॉग हाउस उनको पसंदीदा पेट्स की हिफाजत में लगे हुए हैं। लोगों को घर पे रखना पॉसिबल नहीं होता, डॉग्स को उनको घुमाना वगैरह पॉसिबल नहीं होता, इसके वजह से डॉग्स लोग प्रेफर करते हैं बोर्डिंग में रखना, तो उनको यहाँ पे लाया जाता है। हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग उनको खाना देते हैं, सब घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, सब ये ऐसे सब होता है। कैसे ये केसेस कौन से मेजरली मतलब कोविड के हैं? कोविड के मैक्सिमम कोविड के केसेस है जो क्वारंटाइन पीरियड में रहते हैं या जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको नहीं जमता डॉग्स को घुमाना वगैरह। अभी कल ही एक केस आया जिनके हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो वाइफ को क्वारंटाइन करना पड़ा, तो वो डॉग जो हस्बैंड था उनको अपनी वाइफ को देखना था तो डॉग को इधर। तो उधर मुंबई रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान एक बार फिर से मसीहा बनकर सामने आया है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक शख्स नीचे गिर गया। वह ट्रेन और पटरी के बीच बने गैप में गिरने ही वाला था कि सही समय पर आरपीएफ जवान दौड़कर वहां पहुंच गया और उसे उठा लिया। इस तरह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। यह घटना मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन की है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से छूट चुकी थी। देर से पहुंचने की वजह से एक शख्स ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा और लेकिन वह ट्रेन में ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर पड़ा। शख्स ट्रेन और पटरी के बीच में फंसने ही वाला था कि अचानक से आरपीएफ जवान मसीहा बनकर दौड़कर वहां पहुंच गया और नीचे गिरे शख्स को बाहर खींच लिया। जवान की वजह से ही उसकी जान बच सकी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद मिलन मोरे के एक रिहायशी इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हो गया जब नजदीक के जंगलों से निकलकर एक हाथी अचानक से दस्तक दे दी, जिसके बाद मानव बस्ती में सन्नाटा पसर गया हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी गजराज लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर चुके हैं। शायद इसीलिए लोगों ने हाथी के आ जाने के बाद खुद को घरों में रखना ही महफूज समझा।
जब काफी देर तक भी हाथी नहीं गया तो स्थानीय लोग ने इस बाबत फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया, जिसके बाद गजराज को सुकमा के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 दिन गुरुवार को लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। हाल ही में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखा गया था और इसके बाद साल का ये पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। खगोल शास्त्र के अनुसार इस दौरान सूर्य को करीब 9.9% हिस्सा छिप जाता है और इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के चारों ओर एक वलय आकृति बनाता है, इसलिए इसे वलयाकार या रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण कहते हैं। 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू होकर शाम को 6:41 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका महासागर के उत्तरी हिस्से में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। इस साल का सूर्य ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। बंगाल के खिलाफ 2 गोल करने वाले भारतीय कप्तान सुनील छेत्री 74वें गोल के साथ ही अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के पछाड़कर किसी भी सक्रिय फुटबॉलर द्वारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में मामले में सबसे आगे स्थान पर रहे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से 36 वर्षीय छेत्री अब सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं, जिनके 103 गोल हैं, छेत्री सर्वाधिक गोल की सर्वकाल्पिक सूची में 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने कप्तान सुनील छेत्री के 2 गोलों की मदद से दोहा में 2022 फुटबॉल विश्व कप और 2023 एशियन कप क्वालिफायर्स के ग्रुप ई के दूसरे राउंड के मुकाबले बांग्लादेश को 2-0 से हराया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबर नामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। स्कूटी का लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। केरल की एक कक्षा 5 की छात्रा द्वारा सुप्रीम कोविड की दूसरी लहर के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना वाले पत्र की भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने प्रशंसा की है। मुख्य न्यायाधीश ने छात्रा को एक पत्र के साथ संविधान की एक हस्ताक्षरित प्रति भी भेजी है। पत्र में उन्होंने लिखा है, मुझे यकीन है कि आप सतर्क, जागरूक और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगी और राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान देंगी। केरल के त्रिशूर की 10 वर्षीय लिडविना जोसेफ ने पत्र में लिखा था, मैं खुश हूं और गर्व महसूस कर रही हूं कि माननीय अदालत ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के आदेश दिए हैं और कई लोगों की जान बचाई है। न्यायालय ने हमारे देश में, विशेषकर दिल्ली में, कोविड-19 और मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। पत्र मिले डिवाना ने जोसेफ ने कहा था कि वह दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों से बहुत चिंतित हैं और शीर्ष अदालत को उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हस्तक्षेप करते हुए देखकर खुशी हुई है। पत्र के साथ एक रंगीन चित्र भी था जिसमें न्यायाधीश को कोरोना वायरस के सिर पर हथौड़े से वार करते हुए दिखाया गया था। छात्रा ने महात्मा गांधी का एक चित्र भी बनाया था जो जज के पीछे की दीवार पर लटका हुआ था। चीफ जस्टिस ने जोसेफ को जवाब देते हुए कहा, मुझे आपका सुंदर पत्र मिला है और साथ ही दिल को छू लेने वाला चित्र भी मिला है जिसमें जज को काम करते हुए दिखाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से वह देश में हो रही घटनाओं पर नजर रखती हैं उससे वह बहुत प्रभावित हैं। तो केरल की 5वीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना वाले पत्र की भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने प्रशंसा की है। दरअसल आपको बता दें कि छात्रा 5वीं की छात्रा जिसका नाम लिडविना जोसेफ है, उन्होंने पत्र लिखा था और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस पत्र के साथ एक फोटो तस्वीर भी बनाई थी जिसमें उन्होंने सिर पर हथौड़ा से वार करते हुए मुख्य न्यायाधीश को दिखाया था और छात्रा ने महात्मा गांधी का भी एक चित्र बनाया था जो कि जज के पीछे की दीवार पर लटका हुआ था, जिस पर चीफ जस्टिस ने जोसेफ को जवाब देते हुए कहा कि मुझे आपका चित्र बहुत पसंद आया और साथ ही दिल को छू लेने वाला चित्र भी मिला है जिसमें जज को काम करते हुए दिखाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जिस तरह से वह देश में हो रही घटनाओं पर नजर रखती हैं उससे वह बहुत प्रभावित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप सतर्क, जागरूक और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगी और राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देंगी। तो दरअसल ये केरल के त्रिशूर की 10 वर्षीय लिडविना जोसेफ ने पत्र लिखा था जिससे उन्होंने कहा, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ और गर्व महसूस कर रहा हूँ। जिसको जिस तरीके से पत्र लिखा उस पत्र का जवाब भी मुख्य न्यायाधीश ने दिया है। अब खबर जरा हटके है, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बनारसी साड़ियां काशी की पहचान है, लेकिन अपने हुनर पर इतराने वाले बनारसी साड़ी के कारीगर इन दिनों भुखमरी से जूझ रहे हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बनारसी साड़ियां का कारोबार ठप हो गया है। हालात ये है कि बनारस के जिन बुनकर बस्तियों में करघे की आवाज सुनाई देती थी वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। बुनकरों की माने तो इस मंदी के कारण उनके आधे से ज्यादा करघे बंद हो चुके हैं। बुनकरों की मांग है कि सरकार उन्हें भी अब किसानों की तरह राहत पहुंचाए और आर्थिक मदद करे। आपको बता दें कि देश के बड़े हस्तकला लघु कुटीर उद्योगों में वाराणसी का बनारसी साड़ी का उद्योग भी शामिल है। वाराणसी में इस कुटीर उद्योग से लगभग 5 लाख बुनकर सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बुनकरों का हाल पहले से ही खराब था और अब कोरोना की मार के कारण हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बुनकरों के करघों पर ताले लग गए। काशी के बनारसी साड़ी जो देश ही नहीं जिसने दुनिया में अपनी पहचान बना रखी थी वो अब बुनकरों या फिर गद्दीदारों के दुकान की शोभा बढ़ा रही हैं। लॉकडाउन ने बनारसी साड़ी के कद्रदानों को भी लॉक कर दिया है और ज्यादातर करघे और पावर लूम बंद पड़े हैं। बनारसी साड़ी और बुनकरों का ऐसा हाल देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बनारस में बुनकर बेहाल और बनारसी साड़ी बीमार है। हमारा कारोबार पिछले लॉकडाउन से जो बंद है तब से स्थिति जो खराब है, थोड़ा बहुत बीच में जो है नवंबर दिसंबर महीने में जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है लगन शुरू हुई तो कुछ थोड़ा बहुत चला, उसके बाद फिर जो है ये जनवरी के बाद से जो है पूरा का पूरा बंद है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हम लोग जो है पिछले एक महीने से जो है पूरा घर में ताला लगा हुआ है,
किसी बुनकर के पास समझ लीजिए कि जो है काम नहीं है, तो देख आपके सामने है, देख लीजिए पूरा पावर लूम बंद है, चाहे पावर लूम हो या हैंडलूम है, सारी की स्थिति वही तरीके की है। हारे बुनकर चाहे इससे जो लगे हैं, इसमें जो है जरी वाले भी लगे हुए हैं, कटिंग वाले लगे हुए हैं, डाई वाले लगे हुए हैं, सारे जितने भी इस पावर लूम या कारगे हैंडलूम से लग गए हुए हैं सारे के सारे। मैं बुनकारी करता हूँ, साड़ी बनाता हूँ और गद्दीदारों को बेचता हूँ। पिछले एक साल से इस महामारी की वजह से हमारा कारोबार पूरा चौपट हो गया है और हम लोग के पास ना पहनने का कपड़ा है ना खाने को दाना है। सरकार चाहती है इन लोगों को जीते जी मुंगा दिया जाए और सरकार हम लोग की नहीं सुनती है। सरकार को इलेक्शन कराना रहा तो कहीं महामारी नहीं थी, पूरी पूरी भीड़ जुटाई, 5-5 लाख की भीड़ जुटाई, यहाँ तक कि वहाँ पे हरिद्वार में 25 लाख आदमी को स्नान करवाया, वहाँ महामारी नहीं फैली। अब हम लोगों का एक हफ्ता का त्यौहार बचा है, बच्चे कहते हैं अब्बा परसल कपड़ा नहीं बना था, इस बार कपड़ा तो बनवा दीजिए, इस बार और हालत खराब है कि अपने को पहनने को कपड़ा नहीं, ये गंजी पहन के गुजारा कर रहे हैं, बाहर निकलना रहता है तो गमछा डगा लेते हैं। क्या करते हैं? अरे हम लोग बुनकारी करते हैं। किस हिसाब? साड़ी बनाते हैं पावर लूम पे। तो कैसा चल रहा है आपका? अरे साल भर से रोजगार हम लोगों का बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। क्यों? अरे लॉकडाउन चल रहा है, आदमी परेशान इसी में है। तो साड़ी का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। यूपी में बहराइच जिले के विश्वेश्वरगंज विकास क्षेत्र के ग्राम बसनेरा में मनरेगा के नाम पर लाखों के घोटाले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। शिकायतकर्ता ने ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जी जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपए डकारे गए हैं, जिसके मार्कशीट पर काम किया जा रहा है। वह हरदोई जनपद में आरक्षी के पद पर तैनात है। मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो कई खामियां उजागर हुई। शिकायतकर्ता रवि तिवारी ने कहा कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक ने अपने नाते रिश्तेदारों के नाम पर जॉब कार्ड बनवाए दिए हैं। जिन लोगों के नाम जॉब कार्ड बने हैं उनमें नीरज नाम का एक व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और कई ऐसे हैं जो गैर जिले में काम करते हैं, इसके बावजूद उनकी मजदूरी निकालकर डकारी जा रही है। जहां एक ओर सरकार ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में अनेकों प्रधानों द्वारा मनरेगा योजना को बीमा की तरह चाटा जा रहा है और मजदूर भूखे मरने को विवश हैं। ताजा मामला विकासखंड प्रयागपुर के ग्राम पंचायत बसनेरा का सामने आया है, जहां मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। खास बात तो ये है वहां मनरेगा अभिलेखों में ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और अधिकांश लोग बाहर जनपद के रहने वाले हैं, वह संपन्न हैं, जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस संबंध में लोगों ने जब डीसी मनरेगा से शिकायत की तो डीसी मनरेगा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना यह है कि प्रशासन इस संबंध में कब तक कार्रवाई करता है या कि मजदूर की आवाज प्रभावशाली लोगों में दबकर रह जाती है। कैमरा पर्सन के साथ रफीकुल्ला खान, एनडी न्यूज बहराइच। खबर पंजाब से है, जहां फतेहगढ़ जिला साहिब के पुलिस द्वारा नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के अंतर्गत बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो अलग अलग मामलों में 3 नाइजीरियन को काबू करने का दावा किया गया। इस संबंध में एसएसपी अमनीत कौंडल ने बताया है कि सीआईए सरहिंद और मंडी गोविंदपुर गढ़ पुलिस गोविंदगढ़ मुख्य लालबत्ती चौक से 2 नाइजीरियन को 520 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है, जिनकी पहचान लुइस जैन और लौकी चीमा के रूप में हुई है, जो इस समय दिल्ली के चंद्रा बिहार में रहते थे। वहीं एक अन्य मामले में सीआईए स्टाफ सरहिंद टीम ने लखविंदर सिंह उर्फ बिल्ला को 5 ग्राम हीरोइन सहित काबू किया था। खिलाफ जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उधर सानू कई 2-3 दिन तो काफी वधिया रिजल्ट्स मिले। साड़ी जी सीआईए की टीम है और सर्कल जीओ स्पेशली डीएसपी फतेहगढ़ मनजीत सिंह और डीएसपी अमलोक सुखविंदर सिंह, इसे करके अज मैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साढ़े 3-4 केसेस है वे जिन्हों तो सब तो वीडी रिकवरी साड़ी कल की अराउंड 520 ग्राम हैरोइन रिकवर हुई है। सीआई के इंस्पैक्टर को इनफॉर्मेशन सी कि दिल्ली जे नाइजीरियंस है कुछ वो साढ़े पंजाब जाके वे पद्धर से हैरोइन सप्लाई करते, इस करके बेस्ड ऑन इनफॉर्मेशन उन्होंने कल देर शाम। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई।